कि पीछे रहते नहीं हम, लेकिन अभी पीछे चल रहे हैं, चक्कर क्या है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वेल हम अभी पंजाबी जरूर हैं, लेकिन पूरे देश का हमें एहसास है, पूरे देश का हमें प्यार मिलता है और पूरे देश के बारे में हम सोचते हैं। सो जोरदार तालियां लखविंदर के लिए एवरीवन, कम ऑन। सगला खायो मास, ए दोने ना मत छुओ, ए दोने ना मत छुओ, मोहे पिर देखन के आस हो, मोहे पिर देखन के आस हो, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नहीं, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। बहुत बहुत बढ़िया गाया आप, आपकी आवाज बहुत पुरजोर है, उसमें बहुत जोर है, फील भी बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई आपकी आवाज सुन के। थैंक यू वेरी मच। ये मैं पूरे इंडिया को और ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि ये जो गाना है, राहत साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया है, और इस गाने को गाने के लिए एक हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। ये चाहता तो और मुर्खियां अलाप गा सकता था, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से इतना अच्छा इसने गाया, और कहीं से नहीं लग रहा था कि ये लखविंदर गा रहा है या राहत साहब गा रहे हैं, तो आपका जो फील है। थैंक यू वेरी मच। सो मैं कहूंगा डेफिनेटली हमें इंडिया में एक और राहत की आस कर सकते हैं, और वो आप ही होंगे। लेकिन मीका जी अभी तो मार्क्स ही बताएंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि राहत साहब गा रहे थे, लग रहा था कि लखविंदर ही गा रहे हैं, इनकी आवाज में। और लखविंदर जब आप गाते हैं तो आपके जरिए हम भी पंजाब का दर्शन कर लेते हैं। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू शानदार। जो कुछ मेरे लिए बोल दिया है उसके लिए मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ, खाली एक चीज करना चाहता हूँ,